कहाँ जाना आपको सर? काम पर जाना। तो बस मिलनी नहीं मिलनी? बस नहीं मिलनी। अच्छा, तो लोग पालन कर रहे हैं यहाँ पर, कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं? कर ही रहे हैं लोग, अब क्योंकि नहीं तो ऐसा तो है नहीं। आपको क्या लगता है, ये हल्द्वानी में आप पहली बार देख रहे हैं या फिर पहले भी ऐसा हुआ था आपके? होते रहते हैं। अरे भाई, ये भाई इंदिरा कांड हुआ था, उसमें हुआ था, आज पहली बार हुआ। वैसे लगभग संपूर्ण हल्द्वानी में कर्फ्यू पहली बार हुआ। पहली बार कर्फ्यू का पालन कीजिए, कल क्या पता खुल जाए। क्या लगता है आपको, कल खुल जाएगा? क्या पता, कोई पता अभी कुछ नहीं कह सकते। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो है हल्द्वानी में जो कर्फ्यू लगा है उसके उपरोक्त होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अभी ठीक खड़ा हूँ, हल्द्वानी बस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं हल्द्वानी में आज पूरा संपूर्ण कर्फ्यू है। जिस तरीके से यहाँ पर दंगा हुआ था, मस्जिद और मदरसे को तोड़ा गया था, तो यहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई थी, तो काफ़ी पुलिस वाले घायल हुए थे। तो यहाँ पर किस तरह का मंजर है, रोडवे स्टेशन में लोग कितने हैं और किस तरह से यहाँ पर कर्फ्यू का पालन हो रहा है, सारा कुछ मैं दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़ारा है। ये नीचे मंगल पड़ाव बाजार क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर कुछ बसें लगी हुई हैं, पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये है हल्द्वानी का बस स्टेशन। यहाँ पर लोग जिसको इमरजेंसी में जाना है वो खड़े हैं, जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़ारा है। पुलिस यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछताछ हो रही है लोगों से, किस तरीके से नज़ारा है यहाँ पर। पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है नज़ारा यहाँ पर, ये देखिए। उस इस तरीके से यहाँ पर रिपोर्टिंग भी हो रही है और यहाँ पर बहुत कम बसें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं महिला पुलिस बल, यहाँ पर कुछ दुकानें भी लोगों के लिए, मतलब जैसे हल्का फुल्का जो चाहिए वो खुली है, बाकी यहाँ पर सब दुकानें बंद है। यहाँ पर महिला पुलिस है, उनको काफ़ी चोट आई कल, और देख सकते हैं अब यहाँ पर ये जैसे ITBP का जो ये बस है, आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी पत्रकार बंधु भी हैं, आपको मैं ज़रा दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर ये बस लगी हुई है, आज पूरा बस स्टेशन बिल्कुल यहाँ पर खाली है। आपको मैं ज़रा दिखा रहा हूँ, यहाँ को अंदर तक दिखा रहा हूँ। जिसको इमरजेंसी में दिल्ली उगरा कहीं जाना है उसके लिए यहाँ पर बस लगी हुई है। एकदम सुनसान सड़कें आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है यहाँ का। आप देख सकते हैं, देखिए पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है यहाँ पर। देखिए बस स्टेशन पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये देखिए पूरा खाली पड़ा है। मुझे किसी सवारी को जाना है, वो भी खाली खड़ा है। आपको कहाँ जाना है सर, कहाँ जाना है आपको? दिल्ली जाना है आपको? बरेली। अच्छा, बस आज है नहीं है? कितनी दिक्कत हो रही है आज आपको यहाँ पे? जिस तरह से कर्फ्यू है यहाँ पर, बस वस लगी नहीं है, आगे साइड लगी होगी, देखिए आप। अच्छा, तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो भी जाने वाले हैं उनको ये देख सकते हैं। ये नज़ारा है यहाँ का, हल्द्वानी में पहली बार संपूर्ण कर्फ्यू लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी दुकानें वगैरह बंद हैं, यहाँ पर चप्पा पे यहाँ पर पुलिस वाले हैं। आप देख सकते हैं ये साइड का एरिया, देखिए ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल को भी वाहनों को जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए पुलिस वाले खड़े हैं, और इधर से भी जो मेडिकल सेवाएँ हैं वही यहाँ पर अलाउड हैं। और यहाँ के सारे देखो, ये तो बरसाती लहर है, पुलिस बल यहाँ पर, सारी दुकानें आप देख सकते हैं संपूर्ण बंद है। यहाँ पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल यहाँ पर बहुत कम है, ना के बराबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की दुकानें सारी बंद हैं, बस स्टेशन एकदम सुना सुना है। पहली बार हल्द्वानी में ऐसा हुआ है जो यहाँ पर बस स्टेशन बंद है, सुनसान है एकदम। यहाँ पर किसी को भी मतलब ऐसा ग्रुप में खड़े रहने की इजाज़त नहीं है, संपूर्ण कर्फ्यू है। और ये देखो दिल्ली के लिए बस, हम भैया तो उनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार, कहाँ जाना है आपको सर? रामपुर जाना। तो बस मिलनी नहीं मिलनी? बस नहीं मिलनी। अच्छा अच्छा, ये जो लगे हुए हैं ये रामपुर होते हुए नहीं जाएंगे, ये दिल्ली आनंद विहार की रामपुर के लिए? हाँ, रामपुर के लिए लगी है वहाँ, कह रहे हैं वो वाली गाड़ी दिल्ली होते ही जाएंगे ना, ये रामपुर होते हुए दिल्ली जाएगी ना, रुद्रपुर रामपुर। अच्छा, आपको कहाँ जाना है सर? मेरे को ये भोजपुरा जाना है। भोजपुरा जाना है, तो आपको गाड़ी मिलनी नहीं मिलनी आज? गाड़ी लाल कुआं तक मिल रही है वाली। अच्छा 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 अच्छा, यूपी की गाड़ी आगे। अच्छा, आपको कहाँ जाना है सर? आपको बरेली जाना है। बरेली के लिए आपको मेन रोड पे लगी हुई है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, तो दिक्कत हो रही है ना आपको, वहाँ जाइए। हाँ हाँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है माहौल है, बसें बहुत कम है यहाँ पर, बरेली वाली बसें लिमिटेड बसें हैं आज यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर नज़ारा है, बस स्टेशन एकदम खाली का खाली है। यहाँ पर यात्री को काफ़ी परेशान हो रही है, जिसको इमरजेंसी जाना है वही यात्री यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हल्द्वानी में संपूर्ण कर्फ्यू है यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस तरीके से नज़ारा है यहाँ का, ये देखिए। तो गाइस, अभी बस स्टेशन से वीडियो समाप्त करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तनाव का माहौल है, काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है।
तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग जिसको इमरजेंसी जाना है वही लोग यहाँ पर हैं, बहुत ही काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पर सवारी है, काफ़ी लोगों को दिक्कत भी हो रही है यहाँ पर। लोग देखें यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ये देखो जैसे सवारी पूरी हो जाएगी उसके बाद जाएंगे पुलिस के गश्त करते हुए, यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी सभी लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। देख सकते हैं नज़ारा, मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। बस स्टेशन के सिर्फ ये साइड ही हमें दो चार दुकानें खुली हुई है, यहाँ पर हमें चारों ओर आपको पुलिस बल ही तैनात नज़र आएगा। यहाँ पर कल रात को इतनी बड़ी हिंसा हो गई थी तो अभी यहाँ पर एकदम पुलिस बल कंटिन्यू 24 आवर यहाँ पर रहेगा, जब तक यहाँ पर कर्फ्यू रहेगा चप्पर चप्पर पर यहाँ पर नज़र रखी जाएगी। और आपको मैं ज़रा बता दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थाना है और यहाँ पर थाने के बाहर का कुछ इस तरीके से नज़ारा है। देखो बस डिपो के बाहर का नज़ारा देखो, यहाँ पर चारों ओर प्रशासन आपको नज़र आएगा, पब्लिक भी है, जिस तरह से नज़ारा है यहाँ पर, जिसको अगर कहीं जाना है उनके लिए यहाँ पर ये जो केमो की जो बसें हैं वो बाहर साइड यहाँ पर खड़ी की गई है, अगर किसी को इमरजेंसी में जाना है तो वो यहाँ से जाएंगे। फिर भी यहाँ पर सवारियाँ नहीं हैं। आप बस वाले हैं सर, तो सवारी मिली नहीं मिली आपको? सवारी मिलती है भाई साहब, नहीं मिली ना अभी, एक भी बस नहीं गई आपको? नहीं है, थोड़ी बहुत रैलियाँ हैं ना, खाली गाड़ी कहाँ पर है रैलियाँ? ये अल्मोड़ा हॉलबाग में रैली है ना, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर किस तरह का माहौल लग रहा है? क्या है, अब सवारियाँ तो सब ऐसी होगी, अब खबर ऐसी होगी तो लोग पालन कर रहे हैं यहाँ पर, कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं? कर ही रहे लोग, अब क्योंकि नहीं तो ऐसे तो है नहीं। आपको क्या लगता है ये हल्द्वानी में आप पहली बार देख रहे हैं या फिर पहले भी ऐसा हुआ था आपकी? होते रहते हैं, इंदिरा कांड हुआ था उसमें हुआ था, आज पहली बार हुआ वैसे। लगभग संपूर्ण हल्द्वानी में कर्फ्यू पहली बार हुआ? पहली बार जिस तरह के आंदोलन टाइम पे हुआ था उसके बाद फिर ये अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, कर्फ्यू का पालन कीजिए, कल क्या पता खुल जाए। क्या लगता है आपको कल खुल जाएगा? क्या पता, कोई पता अभी, अभी कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ है नहीं, पता नहीं किस तरीके से होगा। ये देखिए केमो की बसें बिल्कुल भी यहाँ पर बसें में सवारियाँ नहीं है, बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर नज़ारा है। एकदम सुनसान है, जहाँ पर सड़कें एकदम भरी हुई रहती थी वो सड़कें आज एकदम सुनसान नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग कुछ लोग, ये सिर्फ पुलिस वाले आपको देखेंगे और ये जो बस के ड्राइवर हैं और कुछ चुनिंदा लोग यहाँ पर टैक्सी वाले हैं वही लोग यहाँ पर हैं, बाकी लोग यहाँ पर कोई भी बाहर का आदमी नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ जिसको इमरजेंसी जाना है उसके लिए भी बसें यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रही हैं, लोग खड़े हैं इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, काफ़ी तनाव माहौल, काफ़ी बवाल हो गया है यहाँ पर हल्द्वानी में। बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हो गई है यहाँ पर, कम से कम 6 लोग यहाँ पर हताहत हुए हैं, जो कल यहाँ पर हाथ झड़प हुई थी, बवाल हुआ था, आग लगाई थी गाड़ियों में और यहाँ पर थाना तक यहाँ पर उपद्रवी ने यहाँ पर जला दिया था। तो 6 लोग लगभग मर चुके हैं इस उसमें और आगे की अभी बहुत सारे पुलिस वाले हमारे जवान घायल हैं। तो गाइस अभी यहां से वीडियो समाप्त करते हैं, अगर यहां पर अगर कोई हलचल और होती है, किस तरीके से यहां पर कोई अगर होता है तो आपको मैं दिखाता हूं। तो बस स्टेशन से अभी वीडियो समाप्त करते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए कि क्या हो रहा है ये, आपने ऐसा पहला कभी देखा था हल्द्वानी में? जिसने देखा है वो भी कमेंट कीजिए किस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। तो अभी वीडियो समाप्त करते हैं, चैनल में आप अगर हम नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अभी नए वीडियो के साथ, बने रहे आप मेरे चैनल में।